What's up guys, Assalamualaikum, Sami Asim Khan here और आज हम करेंगे Toyota CHR और Honda Vezel का comparison. तो basically इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी है in terms of features, capabilities और price range को सामने रखते हुए we will see कि पाकिस्तान में कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी चलेगी. तो thank you so much for tuning in. दोनों गाड़ी हमारे साथ हैं, Honda Vezel, Toyota CHR in automall obviously. Without wasting any further time, let's get into these cars. चलते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशंस पे. टोयोटा CHR हमें 1.8 लीटर इंजन इंट्रोड्यूस करती है पाकिस्तान में, जबकि होंडा वेजल 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन इंट्रोड्यूस करती है विद द अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजी. 130 हॉर्स पावर इंट्रोड्यूस करती है, जबकि टोयोटा CHR सिर्फ और सिर्फ 97 हॉर्स पावर. 142 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क टोयोटा CHR एंड 156 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इन होंडा वेजल. टोयोटा CHR पाकिस्तान में दो तरह के इंजन इंट्रोड्यूस करती है, एक है 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.8 लीटर हाइब्रिड. पाकिस्तान में 75% जो सेल्स होती हैं CHR की वो होती है 1.8 लीटर हाइब्रिड. तो जहां तक ये फ्रंट हेडलाइट्स की बात है, यू कैन सी कि हमारे पास टोयोटा CHR में LED क्लियरेंस लैंप्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, साइड इंडिकेटर्स, फ्रंट एंड प्रोजेक्शंस. अगर होंडा वेजल में हमारे पास मोर एग्रेसिव और मोर एडवांस्ड हेडलाइट्स हैं, फ्रंट DRLs, प्रोजेक्शन लैंप्स, हैलोजन हेडलैम्प्स, साइड इंडिकेटर्स, दोनों गाड़ियों में हमारे पास फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल आते हैं. जो टोयोटा CHR की टेल लाइट्स हैं, अगर देखा जाए गौर से, तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द होंडा सिविक्स टेल लाइट. रियर वॉश वाइपर्स, रियर स्पॉइलर विद द हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स, शार्प फिन एंटीना. जहाँ तक की हाइट, विड्थ और लेंथ की बात है, तो टोयोटा CHR तीनों में जीत जाती है एज कम्पेयर टू होंडा वेजल. दोनों गाड़ियों के रियर डोर हैंडल्स काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में स्मार्ट एंट्री सिस्टम है. टोयोटा CHR में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है और एक वाइड एंगल व्यू. दोनों गाड़ियों के साइड मिरर्स में, जो कि लेफ्ट साइड मिरर है, उसमें हमारे पास वाइड एंगल व्यू आता है. टोयोटा CHR में हमारे पास मोर गुड लुकिंग रिम्स आते हैं, जो कि 18 इंच हैं, जबकि होंडा वेजल में हमारे पास 17 इंच के एल्युमिनियम अलॉय रिम्स आते हैं. दोनों के ड्यूल टोन कलर है, फ्रंट एंड रियर पे कैलिपर्स भी इंस्टॉल्ड है. मगर जहाँ तक गुड लुक्स की बात है, तो आई थिंक आई एडमायर CHR रिम्स मोर कम्पेयर टू होंडा. अगर होंडा वेजल को पीछे से देखा जाए, तो आई थिंक दे आर वेरी सिमिलर फीचर्स. शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉइलर विद रियर हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स, रियर वॉश वाइपर और रियर रिफ्लेक्टर्स दोनों गाड़ियों में अवेलेबल हैं. तो ये है हमारे पास होंडा वेजल के रिमोट की सिस्टम, बहुत ही सिमिलर है टोयोटा CHR के रिमोट की सिस्टम से. तो ये है टोयोटा CHR के रिमोट की सिस्टम. तो ये है टोयोटा CHR का इंटीरियर. देखा जाए तो आई थिंक काफी अच्छा इंटीरियर है, और जो डायमंड पैटर्न्स आए हुए हैं सारे ओपनर्स में काफी प्रोफेशनल लुक देते हैं. तो फिनिशिंग है इस गाड़ी की ऑन द डैशबोर्ड, वो काफी अच्छी है. हाफ प्लास्टिक, ग्लॉसी पैनल्स, 7 इंच का मल्टीमीडिया सिस्टम, डायमंड पैटर्न्स, सारे पावर विंडोज फुली ऑटोमेटिक हैं, CLS साइड मिरर कंट्रोल विद ऑटोमेटिक फोल्ड एंड फोल्ड, जो कि मैंने आपको दिखाए थे अभी अभी. नीचे देखा जाए तो हमारे पास काफी स्पेशियस कंपार्टमेंट्स हैं. स्टार्ट स्टॉप इग्निशन दोनों गाड़ियों में है. हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम CHR में आपको मिलेगा. पैनिक बटन, ऑटोमेटिक हेडलाइट. बेसिकली वी हैव टू डिफरेंट कलर थीम्स इन होंडा वेजल, एक वाइट और एक बेज इंटीरियर, जो कि काफी अच्छा लगता है. होंडा वेजल के साइड पैनल्स को देखा जाए तो वी हैव कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग्स, सारे पावर विंडोज फुल ऑटोमेटिक हैं, CLS साइड मिरर कंट्रोल विद फोल्ड अनफोल्ड बटन. तो आप दरवाजे को बंद करते हैं एंड हैव अ वेरी क्लियर लुक एट द डैशबोर्ड. कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग्स हैं हमारे पास फ्रंट डैशबोर्ड पे, फुल वाइट इंटीरियर, 6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और फुली डिजिटल हमारे पास स्पीडोमीटर है. बेसिकली वी हैव अ क्लस्टर 2, मगर ऑलमोस्ट जो 70% इसका डिस्प्ले है वो डिजिटल है. 3 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील दोनों में आता है. ड्राइवर असिस्टिव फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट. तो ये है टोयोटा CHR का स्टीयरिंग व्हील, 3 स्पोक्स स्टीयरिंग व्हील, ग्लॉसी पैनल्स, लेदर स्टिचिंग्स, ड्राइवर असिस्टिव फीचर्स विद वॉइस कमांड, ब्लूटूथ सिस्टम, जो कि दोनों गाड़ियों में होता है. मगर हमारे पास होंडा वेजल में एंटी कोलिजन असिस्ट सिस्टम नहीं, ना ही तो लेन कीपिंग असिस्ट. दोनों गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आता है.
क्लाइमेट कंट्रोल जो कि होंडा वेजल में भी है, फ्रंट कप होल्डर्स विद ग्लॉसी पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक सीवीडी ट्रांसमिशन दोनों गाड़ियों में है। फुली ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईवी मोड, रियर आर्मरेस्ट विद स्पेशियस कंपार्टमेंट्स, मल्टीमीडिया सिस्टम विद क्लाइमेट कंट्रोल जो कि मैंने आपको दिखाया था कि टोयोटा सीएचआर में भी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक सीवीडी ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स मोड, ब्रेक होल्ड, पार्किंग ब्रेक, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स विद ग्लॉसी पैनल्स और स्पेशियस रियर आर्मरेस्ट कंपार्टमेंट। होंडा वेजल में हमारे पास इकॉन स्विच अलग से है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पैनिक बटन, वाइपर कंट्रोल सिस्टम, जबकि हमारे पास टोयोटा सीएचआर में डिफरेंट ड्राइव मोड सेलेक्ट है विच इज इको, कम्फर्ट और स्पोर्ट्स। मगर वन ड्रॉबैक फीचर जो कि टोयोटा में है वो ये है कि हमारे पास होंडा वेजल में पैडल शिफ्टर्स है जबकि टोयोटा सीएचआर में ये फीचर लैक होता है। सेफ्टी की बात है तो हमारे पास टोयोटा सीएचआर में कर्टन एयरबैग्स और फ्रंट एयरबैग्स अवेलेबल होते हैं। होंडा वेजल में भी साइड कर्टन एयरबैग और फ्रंट एयरबैग्स दोनों पैसेंजर के लिए अवेलेबल हैं। ऑटो डिमिंग मिरर, ऊपर देखा जाए तो हमारे पास रीडिंग लैंप्स हैं, फिलामेंट बल्ब्स। होंडा वेजल में भी हमारे पास ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर्स होते हैं और ऊपर एलईडी रीडिंग लैंप्स जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं। होंडा वेजल में हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, HDMI, USB सिस्टम, पावर आउटलेट जो कि 180 वॉट्स का होता है। तो ये है कम्फर्टनेस लेवल ऑन द टोयोटा सीएचआर, काफ़ी अच्छी लेग रूम और हेडरूम स्पेस है और इम्प्रूव करने के लिए इन लोगों ने ये फीचर भी ऐड कर लिया है जो कि काफ़ी रिलायबल होता है। तो नाउ लेट्स चेक आउट द रियर सीट्स ऑफ द होंडा वेजल और कंपेयर करते हैं इन रियर सीट्स को टोयोटा सीएचआर के रियर सीट्स से। तो हमारे पास रियर आर्मरेस्ट भी है जो कि अनफॉर्चुनेटली कवर हुआ हुआ है इन प्लास्टिक, मगर वी हैव द कप होल्डर्स, स्टोरेज कंपार्टमेंट। मगर जो लेगरूम स्पेस है होंडा वेजल का पीछे वो काफ़ी बुरा नहीं है, मतलब कि रिलायबल है, काफ़ी अच्छी लेगरूम स्पेस है हमारे पास, पावर आउटपुट है। तो ये है रियर सीट्स ऑफ द टोयोटा सीएचआर। हाइट जहाँ तक हेडरूम स्पेस की बात है तो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों ने हेडरूम स्पेस इंट्रोड्यूस की है। मगर लेगरूम स्पेस जो है वो अच्छी नहीं है टोयोटा सीएचआर में रियर सीट्स के लिए, आगे की तो ज़बरदस्त है मगर रियर सीट्स बहुत ही कम है। तो समिंग एट द सिचुएशन, जो लेगरूम स्पेस है होंडा वेजल की वो पीछे अच्छी है आगे बुरी है, सीएचआर में लेगरूम स्पेस आगे अच्छी है पीछे बुरी है। अच्छी बात यह है कि दोनों गाड़ियों में रियर सीट्स फोल्ड हो जाते हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ट्रंक स्पेस कैपेसिटी इंट्रोड्यूस कर लेती है। ये है सीएचआर की रियर सीट्स, तो दोनों की ट्रंक स्पेस काफ़ी रिलायबल है, बहुत ही सिमिलर है, नो सच डिफरेंस, स्पेयर टायर्स भी हैं, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी। तो दिस वॉज माई कंपेरिजन वीडियो ऑन द टोयोटा सीएचआर एंड होंडा वेजल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई मेरी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे नए फेसबुक पेज को फॉलो करिए, दैट इज facebook.com/samiasim101। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, आगे जाके मैं और भी बनाऊंगा अच्छी वीडियोस, ब्लॉग्स, रिव्यूज, तो स्टे ट्यून्ड। फॉर द टाइम बीइंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।